दिन मैं हूं आपके होस्ट हीरा महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ कैपिटल टीवी की स्क्रीन पर ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं। पीर बकी मार्केट में आज हम मौजूद हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर मौजूद लोगों से, उनकी राय क्या है मुल्की हालात के बारे में। इमरान खान साहब ने एक बयान दिया है कि मुल्क जो है अगर उसको महंगाई को ना रोका गया तो मुल्क दिवालिया की तरफ जा सकता है और मुल्क के तीन हिस्से हो सकते हैं। आवाम की इस बारे में क्या राय है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि मरियम नवाज ने इमरान खान साहब को दो नंबर इंसान कह दिया है, सोशल मीडिया पे एक जंग लड़ी हुई है, इस हवाले से उनका क्या कहना है, और जानेंगे कि किस हुकूमत में उनके कारोबार ज्यादा सही चल रहे हैं, जिंदगी ज्यादा अच्छी चल रही है। बढ़ते लोगों की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मारिया। मारिया क्या करती है? कुछ भी नहीं, हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है, मैरिड है? हाँ जी। कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं। अच्छा, दो बच्चे हैं। तो मुझे बताएं, शादी से पहले लाइफ ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद ज्यादा? शादी से पहले भी अच्छी थी, शादी के बाद भी अच्छी है, दोनों तरह से अच्छी है। आपसे एक सवाल पूछेंगे, उसका आपने जवाब देना है। आज का सवाल हमारा ये है कि इमरान खान साहब ने कल एक बयानिया दिया है कि मुल्क जो है दिवालिया की तरफ चला जाएगा, मुल्क तीन हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। इमरान खान साहब के इस बयान के हवाले से क्या कहें? इमरान साहब पहले भी था वो ठीक था, लेकिन जो बाद में है वो नहीं ठीक। ज्यादा महंगा, इतना घी इतना ज्यादा महंगा हो गया, और भी इतना ज्यादा महंगा हो गया, किराए भी इतने बढ़ गए, जो पहले थे वही सही थे, अब वाले नहीं सही। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि अब की जो हुकूमत है वो बेहतर नहीं है, जो नए पाकिस्तान की हुकूमत थी वो बेहतर थी, पीटीआई को सपोर्ट करती है? हाँ जी, पीटीआई को सपोर्ट। क्या पसंद है इमरान खान साहब? इमरान खान इसलिए उन्होंने कर्जा उतारा आवाम का, जो कर्जे उन्होंने लिए हुए थे, तो अब वो दोबारा फिर आ गए, फिर कर्जे हो जाएंगे। तो नून लीग से आपको कोई उम्मीदें वाबस्ता नहीं? पहले थी, अब नहीं है। अच्छा, पहले थी उम्मीदें, पहले क्या उम्मीदें थी नून लीग क्या लाएगी? पहले तो वो थोड़ा काम करते थे, लूटते थे, हमें पता नहीं चल रहा था, अब हमें पता चल गया ना वो लूटते थे, बस अब पता चल चुका है जी कि वो लूटते थे। अच्छा, मुझे बताया, मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान साहब जो है वो दो नंबर इंसान है। मरियम नवाज के बारे में थोड़ा सा मजाक कर दिया था इमरान खान साहब ने, तो बड़ा माइंड किया था पूरी नून लीग ने और बड़ी आवाम ने, तो अब मरियम नवाज के इस बयान के हवाले से क्या कहेंगी? क्या इमरान खान साहब को दो नंबर आदमी कहना एक सही अमल था? क्योंकि वो कहती है मेरे बाप की उम्र के इंसान को कहना कि ये दो नंबर आदमी है। नहीं, वो सही था, जो अब आया ना वो दो नंबर है, पहले वाले सही थे। अच्छा, तो दो नंबर कौन कौन है? दो नंबर मरियम नवाज, और तो नवाज शरीफ, शुबाज शरीफ, सारे दो नंबर है, अब सारे दो नंबर है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो नाज़रीन, अब की जो हुकूमत आई है वो दो नंबर है, ना कि वो हुकूमत जो कि अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान पे राज कर रही थी। बात करेंगे, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है जी? वालेकुम सलाम, शमसुद्दीन। शमसुद्दीन साहब क्या कर रहे हैं जी? क्या कर रहे हैं? मेहनत मजदूरी और की करना है, मेहनत मजदूरी। अच्छा, मेहनत मजदूरी करते हैं। मुझे बताएं कि नून लीग की हुकूमत में मामला सही चल रहे थे या पीटीआई की हुकूमत? हुकूमत से जेडी भी आ जाए, मामला इस तरह ही चलते ने। हुन देखो ना, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, पहले भी महंगाई, हुन और वधी जा रही है। ओदे ते घटा सोड़ दिंदे ने सारे नून लीग वाले, पीटीआई सोड़ दिंदे ने, पीटीआई वाले नून लीग ते सोड़ दिंदे ने। किन्नू चंगे आखदे, किन्नू भैड़े आखी है, गई वां भी मरदी पई है। हाँ जी, जेड़ा भी कुआंदा उन्हें रहन दे, अपना काम करन दे, अहीं अपनी मजदूरी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। वोट किसको दिया था लास्ट टाइम? वोट तो नून लीग ने दिता ही। अच्छा, नून लीग को दिया था, जो अब इलेक्शन होगा उसमें किसको वोट दे? कौन किसी को वोट नहीं देना, वोट ही नहीं देना, कास्ट ही नहीं करना, ऐसा क्यों है? की लोड़ है, गर्मी दे विच जाके दिहाड़ी भन के अपनी अपने घरों बाहर जाके उत्थे लाइन च लगे रहो ते वोट दवो, जे नाणा उन्हें आ ही जाना है, कोई वोटां नाल ते आंदा नहीं, वोटों के साथ नहीं आता, धक्के के साथ आते हैं। मुझे बताएं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मुल्क को अगर सवारा ना गया तो दिवालिया की तरफ जाएगा खुदा ना ख्वास्ता, और मुल्क जो है तीन हिस्सों में तकसीम हो जाएगा मजीद, इस हवाले से क्या कहें? इस हवाले से कुछ नहीं कह सकते जी, वो अल्लाह की मर्जी है, भावे तिना हिस्सों च हो भावे चंगा हिस्सों च हो, जो रब नू मंजूर होना होना वही है। ऐ थोड़िया मेरिया ही गल्लां ने, इमरान खान दीआं गल्लां ने, इमरान खान को पता कल का किन वेख्या है, किन मरना, किन जीना है। हाँ जी, कोई नहीं कह सकता, तीन ही साई तकसीम होना है, चार ही साई तकसीम होना, जिथे आने हथे ही रहना है, जो होगा देखा जाएगा। कायदा आ जाता मुल्क है, बना के मर गए, दोवों मिलदियां पी ने, अल्लाह की मर्जी है। हूँ देखो, अच्छे इंसान ही बच्चे आने जिंदा दोवों मुल्क चल रहा, बाकी तिना हिस्सों चौं हिस्सों कहता, दो हिस्सों एक हिस्से कोई तकसीम किता कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो नाजरीन, दो हिस्सों में तकसीम हो, तीन हिस्सों में तकसीम हुई है, फ्यूचर बताएगा, अल्लाह ताला की जात जो है वो बेहतर जानती है, इंशाल्लाह पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होगा। बात करेंगे, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? नजर अब्बास। की नजर अब्बास? नजर अब्बास साहब क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। मुझे बताया कि पीटीआई की हुकूमत में ज्यादा अच्छा गुजर बसर हो रहा था या नून लीग?
नॉन लीग तो सारे चोर हैं, ये सब चोर हैं, ये सब पार्टियां इकट्ठी होकर इसे बाहर निकाल रही हैं, लेकिन ये सच्चा बंदा है, अच्छा बंदा है, ये सच्चा बंदा है, अच्छा बंदा है। आप मुझे बताएंगे पीटीआई ने डिलीवर किया 3.5 साल? बिल्कुल बिल्कुल किया, लेकिन इन्होंने करने नहीं दिया, इसे करने नहीं दिया, ये सब चोर इकट्ठे हुए हैं इसे भगाने के लिए, लेकिन ये भागेगा नहीं, डट के खड़ा रहेगा कप्तान। बात करेंगे थोड़ी सी नून लीग के हवाले से कि नून लीग जो है वो हुकूमत में है, और इमरान खान साहब ने बयान दिया कि अगर आवाम सड़कों पर ना आई, आवाम ने मार्च ना की, तो मुल्क दिवालिया की तरफ जाएगा और 3 हिस्सों में तकसीम हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया कि हम कोई रास्ता नहीं, लेकिन ये मूछों वाला कह रहा है कि हमने रास्ता बंद करना है, वो कह रहा है हमने बंद करना है, लेकिन पहले भी बंद किया, लेकिन अब आवाम पहुंची थी उधर, अब भी पहुंचेगी इंशाल्लाह, अब भी पहुंचेगी। आप गए थे? इंशाल्लाह नहीं, मैं तो नहीं गया, लेकिन मैं इंशाल्लाह अब कोशिश करूंगा, अगर रास्ते ना बंद हुए तो फिर मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर इमरान खान के लिए आपको डंडे खाने पड़े तो आप खाएंगे? पहले भी खाया, ये शैल लगा मुझे। शैल लगा किस, क्या हुआ, क्या? मैं शादरे मोड़ पे खड़ा था ना उधर, हमने रास्ता खुलाने की कोशिश की है, ये तकरीबन लॉन्ग मार्च वाले दिन, तो उधर शेलिंग बहुत ज्यादा हुई है, हम आदर का जुलूस हमने खुद निकाला इधर से शादरे मोड़ से, तो उधर पीछे ये डॉक्टर यास्मीन राशिद उसका जुलूस निकालने में, लेकिन वो शेलिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, वो ऊपर से शेल आ रहे थे जैसे गोलियां आ रही है, ये लगा मेरे इधर। आपने पूरा किरदार निभाया है, जिस हद तक जा सकते थे गए, आगे भी नहीं गए, आगे भी करेंगे। मुझे बताएंगे पिछला वोट पीटीआई? हाँ बिल्कुल, उससे पिछला, उससे पीटीआई और उससे पिछला नहीं, वो उसका मुझे नहीं पता कि आपको नहीं याद किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया था। अच्छा मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान साहब 2 नंबर आदमी है, इस हवाले से क्या? वो उसे चाहिए घर की रोटी पकाए, ये हुकूमत में आ गई, एक ही बंदे के खिलाफ है, 7 पार्टी है, एक बंदे के खिलाफ है, तो जैसे उसने बात कर दी, उसे तकलीफ होगी कि मैं उसकी बेटियों की उम्र की हूँ, वो मेरे बाप की उम्र का है, तो ऐसी बातें ना करें। जब भी आप देखेंगे उसे कि वो इमरान खान के खिलाफ रहती है, वो तो ऐसे नहीं, अगर उसने बात कर दी तो इसमें कोई गलत नहीं किया। तो मरियम नवाज को नहीं कहना चाहिए था 2 नंबर? हाँ नहीं कहना, क्योंकि अगर इन रिटर्न इमरान खान साहब कहते हैं तो बहुत एक फसाद पर। भाई को बुरा कहूंगा तो वो भी मुझे बुरा कहेगा, यही बात है ना, मैं किसी को नहीं कहूंगा तो मुझे भी कोई नहीं कहेगा, कोई भी आपको नहीं कहेगा। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो नाजरीन, अगर आप किसी को बुरा कहेंगे तो इन रिटर्न आपको भी बुरा कहा जाएगा, लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया। बात करेंगे एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, कुर्बान अली मेरा नाम है। क्या करते हैं कुर्बान साहब? मैं सिलमसारे का काम करता हूँ। अच्छा, तो कैसा चल रहा है बिजनेस? बस ठीक है शुक्र। नून लीग की हुकूमत में अच्छा चल रहा है या पीटीआई? ये दोनों हुकूमतें जो है ना, ये चोरों की है। इमरान खान भी चोर है, ये भी चोर है। इमरान खान कैसे चोर है? वो मतलब के हम इतना इलम तो नहीं रखते, मतलब ये दोनों हुकूमतें ठीक नहीं है। देखे जो है पीडीएम, मेरी गल सुनो, सिर्फ हुकूमत जड़ी है ना, सिर्फ लाभ पाएगी यार सुले ला, जो निजाम मुस्तफा आएगा ना फिर सारा कुछ ठीक हो जाएगा। जब पाकिस्तान दे विच रह के आशिकर रसूल नु शहीद किया गया तो अच्छी गल तो नहीं ना हैगी। हुण नून लीग की हुकूमत विच किया गया, जे गस्ताहे रसूल सी आसिया मलूना, इमरान खान की हुकूमत ओनू इतों रिहा करके उधर भेजा गया, तो कौन सच्चा आया? आशिकर रसूल, निजाम मुस्तफा, लाभिक यार रसूल अल्लाह, ठीक है, दोवे घूमत चोरां दीआं ने, कोई बंदा ठीक नहीं है इन्हां विच। तो नेक्स्ट वज़ीरे आज़म किसको बनना चाहिए? लाभिक यार रसूल अल्लाह यार। वोट किसको दिया था लास्ट टाइम? लास्ट टाइम इमरान खान ही वोट दिता सी, कि बंदा यह चेक किया गया कि बंदा नवा आ रहा कोई अच्छा काम करेगा, मगर ये कोई कंट्रोल नहीं होया, इन्हें भी कुछ नहीं किया है। आपको लगता है उन्हें काम करने नहीं दिया गया, एक और चांस देना चाहिए ताकि वो खुल के जो है अपनी परफॉर्मेंस दिखा? नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता, उसे पता ही नहीं है, वो किसी के सहारे चल रहा है, ऐसे मतलब के कंधे पे हाथ रख के चल रहा है, उसे मतलब सियासत करनी नहीं आती। जो है ना लब आएगी यार सुले, निजाम मुस्तफा आएगा, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। ये जो लड़कियां दुपट्टे उतार के चल रही हैं, ये अच्छी बात तो नहीं है ना, ये निजाम मुस्तफा आएगा तो हर चीज़ ठीक हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो नाजरीन, इनका कहना है कि लब्बैक की हुकूमत जब आएगी, तहरीके लब्बैक की, तब ही तमाम जो निज़ाम है वो ठीक होगा। लास्ट वोट उन्होंने इमरान खान साहब को दिया था, और इस बार जो है उनका इरादा है कि तहरीके लब्बैक को वो वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैसल। फैसल क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रिक का काम। कैसा चल रहा है काम? तो पहले बहुत अच्छा चल रहा था, जब से इमरान खान साहब आए तो उसके बाद तो लाले पड़ गए, यहाँ तक कि लोगों ने अपने घरों का सामान तक सेल कर दिए गए।
ठीक है, जो काम नवाज शरीफ कर चुके हैं उन्होंने मेट्रो ट्रेन बनाई, उन्होंने सब कुछ किया गया। ठीक है, इमरान खान साहब ने आकर क्या किया, मजीद महंगाई, जो घी 480 रुपये था वो घी हमें इस टाइम 600 रुपये मिल रहा है। ठीक है, आटा 40 रुपए था, आटा हम लोगों को 70 रुपए मिल रहा है, हम लोग गरीब लोग कहाँ से करेंगे अपने घरों का पूरा। तो मुझे ये बताएं कि जो आज़ादी महंगाई मार्च लेके नई हुकूमत आई कि हम महंगाई से रिलीफ देंगे, लेकिन आने के बाद 30 रुपए पेट्रोल भी महंगा कर दिया, बाकी जो चीज़ें हैं वो भी महंगी कर दी, इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या रिलीफ मिला आवाम को नून लीग की जानिब? नून लीग की जानिब से पेट्रोल महंगा हुआ, आटा और घी तो सस्ता हुआ, सस्ता हुआ है जी। बिजली महंगी होगी, बिजली महंगी हुई है, बिजली का तो ये हम लोग ही है ना, जो इनके इलेक्शनों में लाइट लगती है वो किनके पेटे डलती है, हम गरीबों के पेटे डलती है, इन्होंने आज तक दिए अपने घरों के बिल। आपको लगता है कि इमरान खान से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से नून लीग बेहतर है? तहरीके इंसाफ से नून लीग बहुत बेहतर है, जो इंसान सिक्स बॉल को नहीं जानता उसे क्या करना है, जो इंसान किसी की विसाखी के सहारे से चलता है उसकी विसाखी छीनी। अच्छा, अगर इसी वाले से बात करें, राणा सनाउल्लाह साहब ने बड़ी बुरी तरीके से खवातीन के ऊपर तशद्दुद किया गया, जिस तरीके से मार्च में शुरका को रोका गया, क्या वो आपके ख्याल में सही इकदाम था? आप मुझे ये बताएं, 2017 में जो मॉडल टाउन सानिया हुआ था उसमें नून लीग भी, पीटीआई भी और ताहिरुल कादरी साहब, ये तीनों लोगों का धरना हुआ गया था। ठीक है, उस दौरान भी लोगों ने अपने दिलो जान से किया। ठीक है, उस दौरान से लेके अब तक इमरान खान साहब ने क्या किया, कोई रिलीफ आप लोगों को कुछ, आप लोग खुद देखें कि आपको नजर। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जो रोका गया, जिस तरीके से यास्मीन राशिद साहिबा को सड़कों पे घसीटा गया, इवन ईडी की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, ईडी की एम्बुलेंस है बिल्कुल एक न्यूट्रल इदारा है, क्या ये नून लीग की जानिब से किया गया एकदम ठीक था या नहीं? नहीं, ये पीटीआई के बंदे थे जिन्होंने ये तोड़फोड़ की है, ये सिर्फ एक नून लीग को गंदा करने के लिए, सिर्फ एक अपना नाम बनाने। जो लोग यूनिफॉर्म में मौजूद थे, वो जो लोग यूनिफॉर्म में मौजूद थे, यूनिफॉर्म आपको इजीली मिल जाता है, यूनिफॉर्म कोई महंगा नहीं है, यूनिफॉर्म 500 का 1000 का मिल जाता है ऑलरेडी। बट आपका ये कहना है, आपका ये कहना है कि पीटीआई के लोगों ने यूनिफॉर्म पहन के पुलिस का नकली और ये सारा कुछ किया? पुलिस वालों ने किया सही है, पुलिस वालों ने रोका है कि नुकसान ना हो। इस हवाले से आप, हाँ जी, आप इनका ये कहना है कि पीटीआई वालों ने यूनिफॉर्म जो है वो रेंट आउट किया और यूनिफॉर्म में ये ना नानी 420 वो भी बहुत झूठ बोलती है, ये नून लीग टोटली झूठ बोलती है। हमारे सामने इधर हुआ है, पुलिस वाले ने गाड़ियां तोड़ी हैं, डॉक्टर रश्मि उसकी डॉक्टर की, इधर बहुत, हाँ जी, इधर बहुत दंगा फसाद किया पुलिस ने, इधर बसें उन्होंने करोड़ों रुपए की बसों जाया की, इधर हमारे सामने हुआ सारा कुछ, वीडियो बनाई है हमने सब, ये बनाई, आपने देखा ये सब कुछ होता? हमने देखा हुआ, हम सारनिया मॉडल टाउन जाते हैं। आप मुझे ये बताएं, मॉडल टाउन का भी राणा सनाउल्लाह ने किया ना, हाँ, तो वो आज मूछों वाला वो पुलिस वाला बना हुआ है। जब से हमारे 3 साल में या 4 साल में जब भी नून लीग की हुकूमत थी, जब उसका कभी हमारे मुल्क को तकसीम करने। अच्छा, इस पे भी हम आएंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके उस बयान के हवाले से कि पीटीआई के कारकुन जो थे वो यूनिफॉर्म पहन के, आपके पास इस बात का क्या ऑथेंटिसिटी है? इस बात का हमारे पास सबूत भी काफी है और हम लोग उसको क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक है, हर इंसान कहता है कि पैसा फेंक तमाशा देख, ठीक है, इमरान खान साहब है सिर्फ कि एक उनको उंगली पकड़ाई जा रही है और वो पूरी बाजू पकड़ने की कोशिश करते, अब उन्होंने ये बात कर दी गई है कि जी मुल्क को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए, 3 हिस्सों में तो मुल्क को कोई भी तकसीम नहीं कर सकता, तो वो कैसे कर सकते हैं, उन्होंने तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं, वो लोगों की बातों में आकर खुद मजीद अपने आप को गिरा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? मलिक अब्दुल कादिर उर्फ काशिफ। क्या करते हैं? क्या कहते हैं, यही कहते हैं कि मुशीर वगैरह करते क्या? मैं फिलहाल तो फ्री हूँ। फ्री है? किस पॉलिटिकल पार्टी को? इमरान खान की वजह से। क्यों भाई, पहले जॉब करते थे, इमरान खान की वजह से चले? अरे बात बताओ, इंडस्ट्री सब बंद है, लाइट शेड ऑफ है, ठीक है ना, इंडस्ट्री बंद है, मैं फोरमैन हूँ सरिया मिल का, ठीक है ना, उसकी वजह से मिले बंद है, बिजली हो तो काम हो ना, 16 घंटे लाइट जाती है, ठीक है ना, तो खाना क्या है और कमाना क्या है? तो ये तो आप नून लीग की हुकूमत में जा रहे? हम तो सिर्फ अल्लाह पे छोड़ दिया कि अल्लाह को याद करें बस, ठीक है ना, ना नून लीग, ना पीटीआई, ना पीपल पार्टी, अल्लाह ये जो साथ दे रहा है हमारा, नहीं तो कोई भी नहीं। अल्लाह ताला की जात बेशक इंसान का साथ देती है। मुझे बताएं, लास्ट वोट किसको दिया था? लास्ट वोट मैंने किसी को भी नहीं दिया। किसी को वोट नहीं दिया था? नहीं दिया। चलें जी, आप बताएं जी, किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट? हुकूमत से ही इमरान खान की कोई सही? शहबाज शरीफ ने आते ही 30 रुपए महंगी कर दी या तेल महंगा कर दिया? इमरान खान ने भी तो इतने साल आवाम को खाया है ना, सड़े खाली किए हैं, आवाम को तंग किया है, उसी वजह से शहबाज शरीफ ने लोड डाला, जारी बात है, 164 फुट जो है ना। आपको ये नहीं लगता की जब 164 फुट पानी था जिसकी वजह से रावी बंद किया इन्होंने? मुझे ये बताए, रावी को बंद किया, लाहौर के रावी को बंद करने के बाद पानी नहीं आया, इंडिया ने पानी नहीं भेजा। अच्छा, बात करेंगे हम इसी हवाले से, जैसे कि आपने कहा कि जब हुकूमत महंगाई मार्च लेके आई, उनको पता था खजाने की क्या सूरत हाल है,
हम सीट पे बैठ के महंगाई को कम कर सकेंगे या नहीं, तो क्या आपको लगता है नूनली को बैठना चाहिए? मैंने ये बोला है कि हम अल्लाह पे छोड़ा है, ठीक है ना, उसके बाद ये है कि नूनली के पास इतना खजाना है कि वो अपने पास से भी लगाते हैं अपने पास से। कहाँ कहाँ उन्होंने अपने पास से लगाया, थोड़ा सा हमें बताएं। तो जाहिर बात है ये 30 रुपए है ये उन्होंने अपने पैसों से। आप ही शदरे से ये जो बना है, ये ओरेंज ट्रेन बनी है, ये जो मेट्रो, लेकिन ये तो मुल्की खजाना था। 40 किलोमीटर का सफर 30 रुपए में होता है, क्यों होता है? नहीं, बात करेंगे हम। आपने कहा कि नवाज शरीफ ने और नून लीग ने अपनी जेब से पैसे लगाए। उन्होंने कहा कि आपने कहा कि उन्होंने अपनी जेब से पैसे लगाए। उन्होंने आप ही इसलिए लगाए ना, जारी बात है कि आप देखें। आपको लगता है आटा सस्ता हुआ? अच्छा मुझे ये बताएं, आपको ये लगता है कि कौमी खजाना जो है वो किलो घी मिला है जो 500 रुपए किलो था, 500 रुपए किलो घी था, 250 रुपए मिला है, क्यों मिला है? अच्छा, ये तो सारी बातें हो गई। मुझे एक बात बताएं, मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि जो कौमी खजाना है वो नून लीग की पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो उनकी जेब से खर्चा लगता है? वो हमारा टैक्स है जो जमा हुआ, फिर ये हमारे टैक्स के पैसों से। इनको चाहिए शोखाना भी खत्म करवाए ना, 3 शोखाना बने हैं पाकिस्तान में, लोगों को बहुत फायदा हो। आप भी कैसे 30 लाख रुपए ले रहे हैं? मैं उधर जॉब करता रहा हूँ, पीर मंसूर जो शोखाना के सामने यूसीबी यूनिवर्सिटी पर, मैं जॉब करता रहा हूँ। अच्छा, क्या मसले मसाइल है शौकत खान? शोखाना में यही मसले मसाइल है, जिसने भी जाना सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं, ठीक है, अगर वो अमीर है तो घर के प्लाट बेच के अपने बच्चों को कैंसर के मरीजों, क्योंकि ये ट्रस्ट हॉस्पिटल है और ट्रस्ट हॉस्पिटल मैं वही बता रही हूँ, अपना घर बार अपनी जमीन बेच के इनके पास आके पैसा लगा के गया, क्या है गरीबों उसके गले में दूर। अच्छा, आपको नहीं लगता उन्होंने इस प्रॉपर्टी इसलिए देखते हैं ताकि जो वाकई डिजर्विंग लोग हैं उनको फ्री जो है वो इलाज दिया जाए? नहीं होता, मैं किसी का नहीं होता, मैंने खुद देखा 13,000 कमरा जो लोग वहां पे आके मरते हैं, 50-50 लाख रुपए मैंने खुद टेस्ट जमा करवाते हुए देखा। मेरी बेगम का टेस्ट हुआ था चेस्ट का, इसका प्लेट हुआ बाय कार्डियोलॉजी से, वहां पे गए हैं, वहां पे इन्होंने हमारा 9,000 रुपए का टेस्ट किया, जी टेस्ट करवाओ, फिर 50,000 रुपए का टेस्ट मैंने करवाया, अभी भी रिपोर्ट है मेरे पास, क्या तो 1 घंटे बाद मैं आपको लाकर दिखा देता हूँ। तो आवाम जो है वो हकीकत सामने लेके आ रही है, उनका ये कहना है। जी बताए, जो जॉब करते हैं उनके गिफ्ट मिली थी जब ये वर्ल्ड कप जीता था ना, उस वक्त मैं छोटा सा था, 5-10 साल का। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो अगली हुकूमत है वो किसकी होनी चाहिए? हुकूमत यही है कि अल्लाह पे छोड़ दे, जिसने भी है, जिसकी भी है भाई, इमरान खान की जो भी है अल्लाह पे हमने छोड़ा हुआ है। ये आवाम कहती है ना पीटीआई आ जाए, नून लीग आ जाए, पीपल पार्टी आ जाए, अल्लाह ने जो भी करना बेहतर कर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवैस अली है। अवैस अली साहब, बेसिस बड़ी आपके पास बल्क में मौजूद है, ये कहाँ से लेते? मैम डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं इसमें, है रॉयल टच वाले हैं, मून टच वाले हैं, ओलेक्सी ग्लो वाले हैं, डिफरेंट ब्रांड से मैं परचेजिंग करता हूँ और इसका एक मैार बना के मैं आगे सेल आउट करता हूँ। उसको खुद से भी मिक्सिंग वगैरह करते हैं? नो मैम, इतना अभी उस्ताद थोड़ी हो गए हम, बस बाय करके आगे करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि किस तरीके से सेल करते हैं और इसकी क्या प्राइस? मैम ब्रांड्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी प्राइस समथिंग 2050 और 1500। शेफर है, जेनसन पाउडर बेस है, इसमें डिफरेंट ब्रांड्स आ जाते हैं। बताएं ये वाली जो बेस है इसको किस तरीके से किसी कंटेनर में डाल के सेल करते हैं? जी मैम 30 ग्राम से वैसे ब्रांड दे रहे हैं, ठीक हो गया, तो मैं यहाँ पे 50% डिस्काउंट में, यानी एक चीज़ की प्राइस है 1500, मैं यहाँ पे 500 रुपीज़ में दे रहा हूँ। ये तो 50% से ज़्यादा फिर हो गया, मतलब 75% आप ऑफ दें। मैम दिस इज नाउ गरीबा दी हट्टी। तो मुझे बताएं कि बेस के अलावा और क्या क्या मॉडल? मैम कस्टमर यहाँ पॉलिस में जो डिमांड्स करते हैं, मैं प्राइमर इसमें गोल्ड ब्राइट का प्राइमर है, उसको परचेजिंग कर हमें दिखाए भी तो सही ना, हम ऑडियंस को जरा दिखाए ताकि यहाँ पर ऑडियंस आए। मैम आपके हाथ पे दिखा दें या कोई लेडीज से हाथ पे दिखा दें? मैं वाटर यूज़ कर सकते हैं आपके गुलाब इसे रोज़ वाटर, वैसे ही शेफर ब्रांड है, ठीक है, उसमें आपने इसको ब्लेंडिंग करना है, ठीक है, कैजुअल बेस कैजुअल। मैम ब्राइडल भी लगाएंगे इसके बाद, इसके बाद इसको ब्लेंडिंग करना है, वैसे ये शेफर दे रहा है 1500, जेनसन 4000, तो इंशाल्लाह ताला आप मेरी जस्ट 500 में। नाजरीन आपको इतनी जबरदस्त बेच, अब आपको मैं डेमो दिखा देता हूँ। मैम शी शाइन आ रही हो पर जी, नाजरीन बड़ी अच्छी सी शाइन आ रही है, ग्लोई ग्लोई सी, बहुत अच्छी शायरी है। मुझे बताएं कि रोज़ ही कितनी सेल हो जाती है? मैम देखें ना, आप तो देख लें
जून जुलाई वाला जा सिस्टम जा रहे हैं, अभी तो शादी वगैरह पे सिस्टम नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पर रोड भी जा रहा है। मुझे बताया किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें, वोट किसको दिया था ये बहुत, वोट किसको दिया आप? वोट तो मैं एज ए एजेंट गया था जहाँ पे वोटिंग वगैरह होती है। किसके एजेंट? ये मैं पीटीआई की तरफ से गया था। पीटीआई की तरफ से गया था। मुझे बताया इमरान खान साहब ने कल एक बयान दिया है कि मुल्क जो है दिवालिया हो जाएगा खुदा ना खास्ता, और तीन हिस्सों में तकसीम हो सकता है अगर इसका कुछ ना किया गया, क्या कहेंगे इस हवाले? मैम, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फेल। अगर हम एज अ मुस्लिम देखें ना, हम तो काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड, बहुत ज़्यादा डिवाइडेड हैं। तो कोशिश इंसान की ये होती है कि हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना जो भी क्या कहते हैं इसे, एज अ मुस्लिम हमें चाहिए कि हम यूनाइटेड हो के जितनी पार्टीज हैं उनको मुत्तहिद हो के एक मुशरिका कि एक वज़ीर आला बन जाए, एक वज़ीर आज़म बन जाए, इस तरह डिवाइड हो जाए वो बेहतर हो जाए। ये तो हमारी सोच है, हमारा ख्वाब है, ये हकीकत में नहीं सामने आ सकता। मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज़ साहिबा ने एक बयान दिया है कि इमरान खान साहब दो नंबर आदमी हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे इमरान खान को? कभी तो वो कहती है मेरे वालिद की उम्र के, एक शख्स जो आपकी वालिद की उम्र का उसको ऐसे अलकाबात से नवाजना क्या दुरुस्त है? वैसे एक बयान मैंने एक और लफ्ज भी बेचा, कहा था उसने कि आई लव यू इमरान खान, कहा था। ये कब कहा था? कि मैं इमरान खान आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन ये देखा जाए ना, दे अगर एज अ मुस्लिम लव हेट वॉर है, सियासतदान है, कुछ भी हो सकता है। नजर हुसैन साहब, शॉप आप जी मेरी है, कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिजनेस जो है ना थोड़ा स्लो है आजकल। वैसे हमारा एक्चुअली वैसे मई जून जुलाई तक जो है ना 14 अगस्त के बाद जो है ना बिजनेस एक्टिव हो जाएगा। 14 अगस्त के बाद जो है एक्टिव होता है, नॉर्मल हर सीजन ही जो है ना ये 3-4 माह जो है ना स्लंप आता है, इसमें स्लो जा रहा है। अच्छा, मुझे बताएं कि पीटीआई की हुकूमत में कारोबारी हालात बेहतर थे या नून लीग? नहीं, नून लीग की हुकूमत में तो हमेशा से बेहतर रहे हैं कारोबार जो है, क्योंकि वो रिलीफ बहुत देते हैं। क्या रिलीफ दिया? रिलीफ ऐसे ही देते हैं कि 30 रुपए पेट्रोल महंगा करके रिलीफ दिया? नहीं, पेट्रोल जो है ना आलमी मंडी में है, ये उनकी जो है ना स्ट्रेटजी। अगर रूस से लेते पेट्रोल तो सस्ता मिलता 30%। रूस से तो मुआहदा हो ही नहीं सकता, वो जो है गंदम भी तो लेते हैं रूस से। नहीं, गंदम कोई नहीं ले रहा अभी जो है ना, गंदम लेते रहे हैं रूस से, अगर गंदम ले सकते हैं तो फिर तेल भी। देखे ना, वो अगर पीटीआई मुआहदा करता ना तो आने वाली हुकूमत भी उससे मुआहदा कर लेती। मुझे बताएं कि जब पीटीआई की हुकूमत को उन्होंने हटाया, महंगाई मार्च करके वो आए इस सीट पे, उनको सब हालात का पहले ही पता था कि मुल्क जो है वो क्या सूरत हाल है, खजानों का क्या सूरत हाल है, आपको नहीं लगता कि इन सीट्स पे बैठने से पहले, एक एजेंडा लेके आने से पहले उनको सोचना चाहिए था कि क्या हम इन चीज़ों को ठीक कर भी सकते हैं या नहीं? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक कर रहे हैं। क्या क्या ठीक हो गया? अभी देखे ना, मैं 1-4 साल के बाद अपने घर वापिस आऊँगा। देखे ना, 1-4 साल के बाद मैं फर्ज करे मैं दुबई में हूँ, दुबई से 4 साल बाद घर में आता हूँ। घर अच्छा, इसी हवाले से बात कर रहे थे, घर वापस आएंगे जो नून लीग के अरकान बाहर गए? ये देखे ना, वापस आए हैं ना, अभी वो घर आए हैं। देखे ना, अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब, उनकी बेटी जो है मरियम नवाज जो है, नवाज शरीफ साहब तो पाकिस्तान में नहीं, वो तो अपनी इलाज के सिलसिले में गए हुए हैं ना, अभी तो उनको अपनी जान का खतरा है यहाँ पे। अच्छा, जान का खतरा भी है यहाँ पे आपको? अभी तक मेरे ख्याल में मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ हामिद मीर साहब की जो है, उन्होंने कहा है कि एक ऐसा केमिकल आया कि मैं नमाज पढ़ने गया हूँ, मेरे जूतों में डाल रहे थे, वो जो केमिकल मेरे जूतों में डाल रहे थे ना, तो वो हो सकता है कि उससे, यानी कि बल्कि था कि वो ब्लड प्रेशर इतना मेरा हाई हो जाता, उससे मेरे जो है ना नसें फट जाती, मुझे हार्ट अटैक हो सकता। तो आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब को खुदा ना ख्वास्ता इस तरीके से उसको भी ऐसे कर देते? अगर हामिद मीर जैसे आदमी को अगर ऐसे, तो इमरान खान साहब को भी थ्रेट से सर कि उनको बड़ा जान का खतरा है। देखे ना, अगर वो प्लानिंग करते हैं ऐसे मुखालिफ लोग जो है, कौन मुखालिफ है जो इस हद तक प्लानिंग कर सकता है, आपका क्या ख्याल? देखिए, आपको तो पता है कि ये तो चलता ही रहता है, इसमें जो है सिलसिले जो है इनके जो है अपने, इनके तो कभी खत्म नहीं हो सकते ये जो है। तो आपको लगता है नवाज शरीफ साहब को जान बचानी चाहिए और बाहर ही रहना चाहिए? नहीं, इंशाल्लाह वक्त आने पे वो जरूर आएंगे इधर। वक्त कब आएगा यही तो आवाम जानना चाहिए। देखिए जी, वक्त आएगा, इलेक्शन होंगे, वो इंशाल्लाह इन हो जाएंगे। इसमें जो इलेक्शन होंगे, अगर इलेक्शन होने के बाद पीटीआई की हुकूमत आ गई तो क्या वो फिर भी वापस आएंगे? नहीं नहीं, पीटीआई की हुकूमत तो सोचे ही नहीं ना आप। आप एक सिनेरियो सोचे, फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी किस्म की भी गारंटी ले ले मेरे से, पीटीआई की हुकूमत नहीं आएगी। अब नून लीग की हुकूमत आई तो नवाज शरीफ साहब बाहर से अंदर वापस आ जाएंगे, तो बीमारियां सारी ठीक हो जाएंगी? नहीं, बीमारी नहीं है,
मैं कह रहा हूँ कि वो इलेक्शन के दौरान आ जाएंगे इधर, क्योंकि अभी उनकी जान को खतरा है वहाँ। अगर अच्छा अभी ये सिर्फ जो जान का थ्रेट है इसकी वजह से बाहर है, कोई इलाज नहीं चल रहा? इलाज तो चल रहा है उनका जो है ना वहाँ पे। तो सर आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान, इतना अरसा उनकी हुकूमत रही, पाकिस्तान में कोई ऐसा हॉस्पिटल मौजूद नहीं है जहाँ पे नवाज शरीफ साहब का इलाज हो सकता है, वो बैरून मुल्क? तो देखे ना, एक आम कॉमन हॉस्पिटल में सर्विस हॉस्पिटल में रहे हैं, आपको तो पता है कितना अरसा यहाँ पे इलाज के लिए रहे हैं वो, तो यहाँ पे उनको इतना तंग किया गया, इतना तंग किया कि उनको मजबूरी की हालत में उनके प्लेटलेट्स जो कितने ऊपर चले गए थे। तो यहाँ मेरे ख्याल में यहाँ इतने डॉक्टर काबिल नहीं है, या हमारी यास्मीन राशिदा साहबा जो है इतनी काबिल नहीं थी कि उनको यहाँ ठीक कर लेती। अगर उनको यहाँ अगर नॉर्मल कर देते तो उसको बाहर जाने की क्या ज़रूरत थी? एग्जैक्टली नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी अगर उनको जान का खतरा ना होता और अगर उनके प्लेटलेट्स जो है वो कम ना होते। मुझे ये बताएं कि कब से सपोर्ट कर रहे हैं नून लीग? मैं तकरीबन जो है ना 1998 से हमेशा से नून लीग को वोट दे रहे हैं। जी इंशाल्लाह, मेरी पूरी फैमिली, यानी कि यहाँ जो है ना मेरी पूरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरी बेटियाँ, बल्कि नून लीग को सपोर्ट होगी है ना, वो भी यहाँ आके इंशाल्लाह ताला बिलाल यासीन साहब को जो है ना वो सपोर्ट करती है, सपोर्ट करेंगे। मुझे ये बताएं कि वो वोट भी डालते हैं और मेरे जो बहनोई जो हैं तो पहले ही तो तय नहीं कर लेते कि वही हमारा दामाद बनेगा या बहनोई बनेगा जो नून लीग को वोट देगा? नहीं नहीं, क्योंकि आपके बड़े क्लियर हैं कि नून लीग को ही वोट देना है, मेरे बहनोई ने भी, मेरे दामाद ने। हाँ जी इंशाल्लाह 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 जो है ना ये शर्त तो नहीं रखते? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के काम ऐसे हैं हमारे यहाँ जो है ना, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि यहाँ पे जो बना है ना मीनार पाकिस्तान जो है, ये देखे ना आप, उसको देखे अपने लेवल के हिसाब से, इंटरनेशनल लेवल कंस्ट्रक्शन का काम वाकई नून लीग ने बहुत अच्छा किया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। 2 साल रहा हूँ कोरिया में, गया रहा हूँ 2 साल, और थाईलैंड में गया हूँ, इंडिया गया था 83 में जो है, मैंने यानी कि वहाँ के सारे हालात देखे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको पता होगा किसी प्राइवेट कंपनी में भी जॉब करें तो ब्लड रिलेशन जो है वो नहीं कर सकता, दो लोग एक ही कंपनी में काम नहीं कर सकते, लेकिन इतनी बड़ी 2 सीट्स वजीर आजम और वजीर आला बाप बेटा इन सीट्स पे बैठे हुए, इस हवाले से क्या? नहीं वो तो अवाम ने मुंतखब किया ना, अवाम ने मुंतखब किया तो और क्या, देखें जी अवाम उसको लेके आई है। लेकिन नून लीग में से किसी और को भी तो उस सीट पे बिठाया जा सकता है, उन्हीं को क्यों बिठाया गया, कोई और क्या उनको कॉम्पिटेंट नहीं लग रहा था बाकी पार्टीज जो छोड़? आपकी बात सही है, अगर मरियम नवाज साहबा को इलेक्शन लड़ी होती तो हो सकता है, क्योंकि मरियम शरीफ खानदान के अलावा भी तो ऑप्शंस मौजूद थे, बहुत से लोग उनके साथ हाँ करके उन्होंने तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो हटाई है, क्या अपने खानदान के अलावा उनको कोई काबिल एतबार इंसान है? बात बिल्कुल सही है, लेकिन देखे ना अब हमारे साथ जो कोलिशन जमाते हैं, अब उन्होंने जरदारी साहब ने भी अपने मजबूरन जोड़ा हुआ है, नहीं नहीं अपने बेटे के लिए भी कुछ मांगा है, और वो जारी बात है कि एमक्यूएम वालों ने भी कुछ मांगा है, तो कुछ ना कुछ तो किसी और को अगर वजीर आजम बन गए तो कुछ डिलीवर करेंगे तो कुछ ले सकते हैं किसी से। अगर फर्ज करें हम बिजनेस कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट को हम टैक्स नहीं देंगे तो गवर्नमेंट कैसे चलेगी, या हम किसी को हमजा शहबाज रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी भी आपने देखा है कि उन्होंने किया है, क्या किया है, क्या क्या किया? मेरे ख्याल में इस साल जो है ना पता नहीं 3 अरब के करीब जो है ना उसने ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया, अभी ये 1.5 माह में उन्होंने 3 अरब टैक्स इकट्ठा किया, ये पिछले साल से लेके अब तक जो है 3 अरब रुपए टैक्स जो है वो हमजा शहबाज साहब ने इकट्ठा कर लिया, ऐसा इनका कहना है। हमजा शहबाज साहब सबसे ज्यादा कौन पसंद है, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज या फिर शहबाज शरीफ? मुझे सबसे ज्यादा प्यारा लगता है बहू जी जो है नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब क्या पसंद है? क्योंकि लुक ऐसी है कि उनको देखने को दिल करता है और वो सच्चे इंसान है, बस मैं प्यारे लगते हैं आपको? अच्छा मुझे लगता है काफी खुश। अगर आपको अभी नवाज शरीफ जो है ना, मैं उनकी बड़ी फॉलो करता हूँ, ड्रेसिंग फॉलो करते हैं, मैं उनकी ड्रेसेस जो है बड़ी फॉलो करता हूँ, उनकी गुफ्तगू को बड़ी फॉलो करता हूँ। सबसे अच्छा कौन सा कलर पहना हुआ लगता है मियां साहब को, ये बताएं? सबको ब्लू कलर जो है ना बहुत, ब्लू कलर बहुत अच्छा लगता है, रेड जो रुमाल पहनते हैं ना वो बहुत जबरदस्त है, बड़े प्यारे लगते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि अगर नवाज शरीफ साहब अभी आपको देख रहे हो क्या कहेंगे? जी हाँ जी, मैं जरूर उनके साथ जो है ना एक कप चाय का पीना चाहूंगा, कि मैं बिलाल यासीन साहब के हल्के से बिलोंग करता हूँ और मेरे करीबी यानी कि यहाँ के इसी गली में रहते हैं वो बिलाल यासीन साहब जो है ना, तो अक्सर यहाँ से उनका गुजर होता है,
तो वो हर आदमी से सलाम दुआ लेके जाते हैं। अच्छे इंसान है, खूबसूरत इंसान है। अकरम अली साहब। अकरम साहब क्या करते हैं? मैं स्टिचिंग काम करता हूं। स्टिचिंग किसका? स्टिचिंग। अच्छा, स्टिचिंग का काम करते हैं। कैसा जा रहा है काम? अच्छा चल रहा है। तो अभी नून लीग की हुकूमत में बिजली काफी जा रही है, तो इससे टेंशन हो रही है काम की? टेंशन हो रही है, क्यों नहीं हो रही? पीटीआई की हुकूमत में लाइट जा रही है? नहीं जाती थी पीटीआई। पीटीआई की हुकूमत में आवाम कहती है कि लाइट नहीं जाती, तो क्या लगता है क्या वजह है? नून लीग की हुकूमत आते ही क्या बिजली का बहरान पैदा हो जाता है? नून लीग फारग है। नून लीग फारग है? फारग। कैसे फारग है? करप्ट आ गई है। करप्ट है? सबसे ज्यादा करप्ट आपको कौन लगता है तमाम नून लीग के रहनुमाओं? नून लीग के सारे रहनुमा करप्ट है, सारे ए टू जेड चोर है, रले होंगे सब। अच्छा, सब मिल चुके हैं। अच्छा, तो वोट किसको दिया था लास्ट? वोट हम बेसिकली तो हम नॉन लीग के देते हैं वोट। अब नहीं देंगे। अब नहीं देंगे? मरियम नवाज साहिबा को वोट नहीं देंगे? फारग है मरियम नवाज साहब। मरियम नवाज साहिबा ने इमरान खान को दो नंबर इंसान कह दिया इस हवाले से? वो मरियम नवाज का अपना फेल है जी। बकायदा जो इमरान खान साहब ग्रेट आदमी। इमरान खान साहब को आप वैसे पसंद करते, वोट क्यों नहीं देते आपको? वो ग्रेट तो लगते हैं, लेकिन वोट आप नून लीग? वोट भी उसको देंगे, इस दफा वोट भी उसको देंगे। अच्छा, ये वाला वोट आपका पीटीआई के लिए? पीटीआई के लिए होगा। ये कितने परसेंट कंफर्म बात? 100% कंफर्म बात है। 100% कंफर्म है? 100% कंफर्म इनका वोट जो है वो इमरान खान के लिए है। मुझे बताएं कि इमरान खान के लिए मार्च में जाएंगे? मार्च में तो नहीं जाते हम, वैसे वोट उनको देंगे। मॉरली सपोर्ट? हां, वोट। सबसे अच्छी चीज क्या लगती है इमरान खान? इमरान खान साहब की बातें जो अच्छी लगती हैं, वो किसी से झुक के बात नहीं करते, ये बात अच्छी उसकी लगती है। बात अच्छी लगती है। पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट, पाकिस्तान को अच्छे तरीके से चला रहे थे, ग्रेट आदमी थे। अब जो है इन्होंने उतारा है, ये अमेरिका के साथ मिलके इन्होंने उतारा है। इंपोर्टेड हुकूमत आई है? हुकूमत आई है, इंपोर्टेड बिल्कुल नामंजूर है। नामंजूर है। तो नाज़रीन, यहाँ पर आए हुए लोगों से हमने बात की, उनका ये कहना है कि किसी भी हुकूमत से हमें कोई भी उम्मीद वाबस्ता नहीं है, वोट हम नहीं देना चाहते। कुछ लोगों का ये कहना है कि पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, सिर्फ तब्दीली पीटीआई लेके आएगी। और कुछ लोगों का ये कहना है कि हमारा पूरा खानदान नस्ल दर नस्ल हम नून लीग को ही सपोर्ट करते आए हैं। आपने तमाम लोगों की बातें जानी, उनकी क्या सोच है वो जानी, और ये भी जाना कि इमरान खान साहब ने जो कहा है कि मुल्क जो है तीन हिस्सों में बट जाएगा, इस हवाले से उनकी क्या राय थी। अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।